दोस्तों, कभी कभी भागती दौड़ती जिंदगी में हम कुछ मिस कर जाते हैं। इस पूरी पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन है जो हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी खूबसूरती है जो हम मिस कर रहे हैं। इस दुनिया में हजारों लाखों आइलैंड्स हैं, लेकिन कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो अभी एक्सप्लोर करने से छूटे हुए हैं। दुनिया उस आइलैंड्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती है। आज ऐसे ही आइलैंड की सैर हम आपको कराने जा रहे हैं। ये बेहद ही यूनिक है और कहीं कहीं तो कहा यह भी जाता है कि ये दुनिया के सबसे जहरीले आइलैंड्स में से एक है। क्या है सच्चाई और कितनी है खूबसूरती इसमें, बताएंगे आपको हर एक बात। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मार्शल आइलैंड की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत आइलैंड, प्रशांत महासागर में स्थित सरप्राइज करने वाला आइलैंड। क्रिस्टल साफ पानी, प्राचीन समुद्र तट, हर जगह जीवन ही जीवन, संस्कृति और रीति रिवाज के लिए प्रदर्शित और एंजॉय करने के लिए बेहतरीन जगह, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज और बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और आज क्या चाहिए आपको? चाहे आप रोमांच के शौकीन हो या फिर आराम की तलाश में घर से निकले हो, मार्शल द्वीप आपको सब कुछ देता है। अगर आप फिशिंग यानी मछली पकड़ने का शौक रखते हैं तो ये जगह स्वर्ग से कम नहीं। ये आइलैंड गहरे समुद्री पानी से घिरा है, जहाँ कई तरह की मछलियाँ हैं। मालिन, चूना और स्पॉट फिश जैसी मछलियाँ आपको यहाँ मिलेंगी। इतना ही नहीं, अगर फिश खाने के शौकीन हैं तो खुद मेहनत कीजिए, मछली पकड़िए और कुक कीजिए। दोस्तों, ये जगह प्रशांत महासागर में छिपा हुआ एक रत्न जैसा है। प्राकृतिक सुंदरता इतनी कि बस यहीं रह जाए, लोगों का आतिथ्य इतना कि भूल ना पाए। बेहद ही छोटा लेकिन बहुत ही खास मार्शल द्वीप ओशिनियाई नामक क्षेत्र का हिस्सा है। एटॉल और द्वीप पानी के नीचे के ज्वालामुखियों के शीर्ष से जुड़े मूंगे भी आपको दिखेंगे। भूमि नीची है, समतल है, लेकिन थोड़ा गर्मी भी। ताड़ और बैट फ्रूट के पेड़ मार्शल द्वीप के मुख्य पौधे हैं। आसपास के पानी की कई मछलियाँ, डॉल्फिन, ऑक्टोपस और कछुए देखने लायक हैं। ज्यादातर लोग माइक्रोनेशियाई हैं, यहाँ पर मार्शली भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं और ईसाई धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों, माइक्रोनेशिया के लोग 2000 साल से भी पहले इन द्वीपों पर आए थे। ब्रिटिश समुद्री कप्तान जॉन मार्शल ने 1788 में इस क्षेत्र का अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन किया, द्वीपों का नाम उनके नाम पर रख दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 और 45 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान से इन द्वीपों को छीन लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु हथियारों का परीक्षण करने के लिए बिकनी और एनेवेटक एटोल का इस्तेमाल किया। मार्शल द्वीप समूह को 1986 में संयुक्त राज्य अमेरिका से आजादी मिली। हालांकि अमेरिकी सेना अभी भी देश की सुरक्षा करती है। मार्शल द्वीप अपने असाधारण मलबे डाइविंग अफसरों के लिए भी काफी फेमस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मार्शल द्वीप एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई का स्थल था, जो डूबे हुए जहाज और विमानों की विरासत को पीछे छोड़ गया। जी हाँ, यहाँ आपको इस तरह के कबाड़ और जहाज और विमान के अवशेष जरूर मिलेंगे। ये मलबे दुनिया के कुछ सबसे अच्छे मलबे डाइविंग स्पॉट प्रदान करते हैं, जिसमें अट्रैक्टिव इतिहास और सरप्राइज कर देने वाला पानी के नीचे का ये पूरा सिस्टम आपको हैरान करेगा। हिस्ट्री के शौकीन के लिए बिकनी एटोल की यात्रा बहुत जरूरी है। ये 1940 से 1950 के दशक में कई परमाणु बम परीक्षणों का स्थल रहा। इस क्षेत्र को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया। खूबसूरती होने के बाद भी इस द्वीप पर एक बड़ा दाग लगा है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे जहरीला द्वीप यही है। आजादी होने के बाद भी 10 सालों तक अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और तभी से ये जहरीला द्वीप कहलाने लगा। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जापान से छीने एक द्वीप पर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट तो शुरू किया, वहाँ एक दो नहीं बल्कि पूरे 67 न्यूक्लियर वेपन आजमाए गए। ये हिरोशिमा विस्फोट से हजार गुना से भी ज्यादा खतरनाक था। मार्शल आइलैंड्स नाम की द्वीप समूह में आज हर जगह जहर घुला हुआ है। यहाँ तक कि इसे दुनिया का सबसे घातक द्वीप समूह भी माना जाता है। दोस्तों, इस देश की एक खास बात ये है कि यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कहा गया है। होमोसेक्सुअल में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पूरा सम्मान और अधिकार मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ही व्यवहारिक हैं, एक मधुर स्वभाव के हैं। यहाँ पर मात्र आपको 5 से 6 हजार लोग ही मिलेंगे, जो आपको बेहतरीन तरीके से वेलकम करेंगे
और ऐसा लगेगा कि यार पहले भी मैं इनसे मिल चुका हूँ। लेकिन सीरियसली दोस्तों, इनका आतिथ्य पर इनका स्वागत करने का तरीका अपने आप में बहुत खास है। हालांकि ये जगह काफी सेफ है, लेकिन छोटी मोटी चोरी और छोटे मोटे अपराधों के लिए भी काफी फेमस है, इसलिए आप यहाँ थोड़ा सा संभल के रहिएगा। हालांकि इसे द्वीप के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, लेकिन इतना मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग इस मार्शल द्वीप को पसंद करेंगे। तो मार्शल द्वीप में आने वाले टूरिस्ट कहां कहां जाते हैं ये भी आपको बताते हैं, और आप कहां कहां जा सकते हैं ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं माजुरो ब्रिज। माजुरो ब्रिज एक बेहद ही खूबसूरत जगह। माजुरो ब्रिज एक महत्वपूर्ण अट्रैक्टिव पॉइंट है मार्शल द्वीप समूह में घूमने लायक जगह। ये जिन मूल की एक स्थिर संरचना है जो दो द्वीपों को जोड़ती है, जिससे लोग एक से दूसरे द्वीप पर जा सकते हैं। इसे मार्शल द्वीप के स्थानीय लोगों द्वारा देश का सबसे ऊंचा स्थान भी माना गया। दौड़ने या सिर्फ सैर सपाटे के लिए ये सुंदर जगह है। आप पुल से खूबसूरत समुद्री लहरों को देख सकते हैं सेफली। आप पुल के नीचे पाए जाने वाले भित्ति चित्रों को देखने का भी मजा ले सकते हैं। दोस्तों ये चीज और ये जगह बहुत ही यूनिक है। आप जा सकते हैं एलएलए म्यूजियम। एलएलए म्यूजियम लाइब्रेरी एंड नेशनल अचीव्स, जो कि बेहद ही बेहतरीन और परंपराओं से जुड़ी हुई जगह है। पारंपरिक टोकरी के नाम पर बना एलएलए म्यूजियम मार्शल द्वीप समूह का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ये मार्शल द्वीप समूह की संस्कृति और इतिहास को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। एलएलए संग्रहालय में औजार, डोंगी और बहुत सारी पारंपरिक वस्तुएं आपको मिलेंगी। दोस्तों ये है कैथेड्रल ऑफ द असम्पशन। कैथेड्रल ऑफ द असम्पशन एक रोमन कैथोलिक चर्च है जो मार्शल द्वीप समूह के माजुरो में है। 1898 में निर्मित ये कैथेड्रल मार्शल द्वीप समूह के अपोस्टोलिक प्रिकेप्शन की सीट है। लोग वर्जिन मैरी को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, जो कैथेड्रल के संरक्षक है। पर्यटक इस जगह के आसपास घूमने जा सकते हैं और इसकी विशिष्ट वास्तुकला को देख सकते हैं। दोस्तों ये है आर्नो एटोल। आर्नो एटोल मार्शल द्वीप समूह में स्थित एक कोरल एटोल है। ये तीन लैगून को घेरता है, केंद्रीय लैगून जिसे सबसे बड़ा माना जाता है और दो छोटे लैगून उत्तर और पूर्व में। शहर की हलचल से दूर कुछ दिन यहाँ जरूर बिताइएगा। बहुत ही पीसफुल जगह है। लोकल लोग नारियल के गूदे से कोपरा बनाने में सक्षम होने के लिए काफी फेमस है। किसी बैग जैसे उत्पादों के उत्पादन के लिए भी ये जाने जाते हैं, जो एक प्रसिद्ध हाथ से बना हुआ और बुना हुआ बैग है। ये जगह वाकई दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए बेहतरीन है। दोस्तों दिस इज कलालेन दर्रा। माजुरो में दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए एक लोकप्रिय स्थान कलालेन दर्रा पर्यटकों को मार्शल द्वीप समूह से जुड़े रखने का मौका देता है। समुद्री कछुए, शांत वातावरण, पानी के नीचे पनपते और तैरते ये छोटे छोटे से जीव, पर्यटक इन्हें देखकर मन मोह लेते हैं। समुद्र के किनारे की चट्टानों के साथ आराम करते हुए भी आप इसे देखेंगे। समुद्री कछुओं के अलावा सिल्वर टिक शार्क को भी आप खूबसूरत लैगून में तैरते हुए देख लेंगे। यहाँ आने वाले लोग कलालेन दर्रा मार्शल द्वीप में एक पसंदीदा स्कूबा स्पॉट भी करते हैं। दोस्तों डोंट मिस पीस पार्क मेमोरियल। जो लोग मार्शल द्वीप के आसपास के पर्यटन स्थलों की यात्रा कर रहे हैं और देश के इतिहास के बारे में जानते हैं, वे पीस पार्क मेमोरियल में रुक सकते हैं। जापानी सरकार द्वारा निर्मित ये स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई गई थी। सावधानी से व्यवस्थित चट्टाने और अच्छी तरह से तैयार किए गए परिदृश्य शांत स्मारक बनाते हैं, जो कि इस जगह को फेवरेट बनाती है। आई होप दोस्तों आपको ये खूबसूरती मार्शल द्वीप की पसंद आई होगी। आज हमने आपको कुछ अलग दिखाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।